अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स लेक्चर नंबर डे 9 पर बात करने जा रहे हैं। पहली जो एमसीक्यूज़ में एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर की पहली एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन। इनमें जो आपके पास ऑप्शन गिवन है, पहली ऑप्शन है जी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सीलिंग फैन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इज एक्सिस और बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। इन सब में जो करेक्ट वन है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द मास ऑफ द बॉब इज पेंडुलम इज इंक्रीज, अगर मास ऑफ द पेंडुलम का बॉब जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए बाय द फैक्टर ऑफ 3, यानी 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या रिमेन सेम रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी सेकेंड वाले का, रिमेन सेम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ, ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो दोनों ही ट्रांसवर्सल वेव्स बनाती हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाती हैं? पहला है जी अ स्ट्रिंग, धागा, अ रिपल टैंक, अ हीलिंग स्ट्रिंग या स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है, अ ट्यूनिंग फोर्क। तो इसका आंसर जो है जी हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसा स्प्रिंग है जो ट्रांसवर्सल वेव भी बनाता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो एमसीक्यूज़ है वो हमें कहता है कि जी वेव्स ट्रांसफ़र होती है, वेव्स मुंतकिल होती है किस शक्ल में? फ्रीक्वेंसी की शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में, वेवलेंथ की शक्ल में या वेलोसिटी की शक्ल में? तो उसका आंसर है जी एनर्जी। वेव्स जो है वो एनर्जी की शक्ल में मुंतकिल होती है। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र, किस तरीके से जो है वो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, कौन सा मेथड है उसके लिए? कंडक्शन है, रेडिएशन है, वेव्स मोशन है, ये ऑल ऑफ दीज है। ये तमाम के तमाम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कंडक्शन के ज़रिए भी हो सकती है, कन्वेक्शन के ज़रिए भी, वेव्स मोशन के ज़रिए भी, इन तमाम सब के ज़रिए से जो है वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमें कहता है कि एक वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम वो वाली जगह होती है जहाँ से आपने एयर को जो है वो एवैक्यूएट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो एयर की जो है फ्रिक्शन नहीं उस उधर अवेलेबल होती। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? हैव द सेम, उनकी स्पीड सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा या वेवलेंथ सेम होगा? तो इसका आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 का, स्पीड सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ रिपल टैंक विद वाइब्रेटर वर्किंग ऑन अ पेडल हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्स हो, अगर एक रिपल टैंक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पेडल की 30 हर्ट है और 25 जो है वो हर साइकिल बनाता है और 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी वेव्स की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप उसको फार्मूले के साथ सॉर्ट आउट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स इंडिपेंडेंट टू द अदर, इनमें कौन सा जो है वो वेव्स की खसूसियात जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं? नंबर 1 स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ? तो इसमें जो डिपेंड करती है क्वेश्चन नंबर 8 में वो है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद ये है कि वेव्स का अपनी मेन पोजीशन से इधर बोथ साइड ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर जाना, तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वेव्स वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है जी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसने वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बराबर है वेवलेंथ के, अगला ऑप्शन है वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के, तो यही जो ऑप्शन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 9 का वो करेक्ट वन है। अब आगे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम पहले ही इस चैप्टर के आगाज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जी ओसिलेशन पाई जाती है बॉडी के अंदर और वो अपनी मेन पोजीशन के गेट टू एंड थ्रू बॉडी जो है वो मूव करती है और वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उस ब्लॉक में उस वक्त पैदा होता है कि जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह
मूव कर जाती है, क्योंकि वो एक स्प्रिंग के साथ बंधी हुई है, इसलिए उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, और फोर्स रिलीज़ करने के बाद वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करती है, तो इस तरह उसके अंदर अपोजिंग फोर्स पैदा होती है, तो उसने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, हमारी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फॉरवर्ड था, जैसे ही हमने फोर्स रिलीज़ की तो वो बैकवर्ड मूव की, तो इट्स क्रिएट अ नेगेटिव साइन, अपोजिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी बुक में अवेलेबल है, 10.3, 10.4 में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वेव्स क्या होती हैं। वेव्स जो है वो किसी भी मीडियम में पैदा उस वक्त होती हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करें तो वेव्स पैदा होती हैं। वेव्स की कुछ टाइप्स हैं, एक है जी मैकेनिकल वेव्स और एक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनके लिए जो है आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनके लिए आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती।